तो ये बड़ा अपडेट है। प्रहलाद जोशी को खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय मिला है, मनसुख मंडाविया को लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय मिला है। तो विभागों का बंटवारा हो चुका है और नई जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, जिसका इंतजार सभी को था। तो अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, नितिन गडकरी को भी सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी गई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने रहेंगे। तो कुछ चेहरों को एक बार वही जिम्मेदारी फिर से सौंपी गई है, लेकिन कई चेहरे जिनको नई जिम्मेदारी भी मिली है रीजन का, वो भी इनके पास रहेगा। भूपेंद्र यादव पिछली बार पर्यावरण और मौसम परिवर्तन थे, इस बार भी उनके पास वही जिम्मेदारी है। गजन सिंह शेखावत का हमने आपको बताया, पिछली बार जल शक्ति था, इस बार संस्कृति और पर्यटन उनको दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी, इनका प्रमोशन इस बार किया गया था और महिला और बाल विकास इनको सौंपा गया है। किरेन रिजिजू, इनको संसदीय कार्य मंत्री और साथ ही अल्पसंख्यक मंत्रालयों का मंत्री बनाया गया, ये महत्वपूर्ण है। दो दो मंत्रालय मिले हैं किरेन रिजिजू को, पिछली बार भी उनके पास माइनॉरिटी अफेयर्स था। हरदीप सिंह पुरी, इनके पास पिछली बार दो थे, इस बार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रहेगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया 27वें नंबर पर हैं, इनके पास श्रम तथा रोजगार रहेगा और साथ ही यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी मनसुख मांडविया के पास रहेगा। और जी किशन रेड्डी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिया गया, जबकि पिछली बार इनके पास पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय था। चिराग पासवान, उनको फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सी आर पाटिल, इन्हें जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। अब आप राज्य मंत्रियों का बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए राज्य मंत्रियों की भी जानकारी हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी जानकारी अभी हमने 30 के 30 जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी जानकारी अखिलेश ने आपके सामने रखी। तो राज्य मंत्री में जो इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास है, सबसे पहले उनकी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। राव इंद्रजीत सिंह, इनकी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। इनको दो मंत्रालय दिए गए हैं, तीन मंत्रालय इनके पास देखा जाए तो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, इसके अलावा सांख्यिकी मंत्रालय और इसके अलावा योजना मंत्रालय भी इन्हीं के पास है और संस्कृति मंत्रालय भी इनके पास रहेगा और इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि लगातार तीसरे कार्यकाल में मंत्री बनाए गए हैं, उनको MOS इंडिपेंडेंट का चार्ज दिया गया है, यानी कि इनके पास जो मंत्रालय होंगे वो स्वतंत्र होंगे, उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। इनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय भी होगा, इसके अलावा अर्थ साइंस मंत्रालय भी इनके पास होगा। और ये मंत्रालय पिछली बार किरण रिजिजू को दिया गया था, आपको याद होगा जब उनसे कानून मंत्रालय लिया गया था, तो ये अर्थ साइंस मंत्रालय जो है जितेंद्र सिंह के पास होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के वो मंत्री बने रहेंगे जो कि पिछले दो कार्यकाल से लगातार थे, काफ़ी भरोसा जता रहे हैं प्रधानमंत्री उनके ऊपर। और इसके अतिरिक्त उनके पास पब्लिक ग्रीवेंस और एटॉमिक एनर्जी और स्पेस डिपार्टमेंट, जो कि प्रधानमंत्री के पास जितने भी मंत्रालय हैं रहेंगे, वो सब भी जितेंद्र सिंह के पास ही रहेंगे। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, ये भी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, इनके पास फिर से कानून मंत्रालय इनके हिस्से आ गया है। और पिछली बार आपको याद होगा अखिलेश, जब किरण रिजिजू को हटाया गया था तो कानून मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को ही दिया गया था। और इसके अलावा इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय बना रहेगा पिछली बार की तरह ही। जाधव, देखिए प्रताप राव जाधव, जो कि इस बार पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, उनके पास भी स्वतंत्र प्रभार रहेगा और इन्हें आयुष मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर ये काम करेंगे, यानी कि जेपी नड्डा के सहयोगी होंगे। जयंत चौधरी, ये भी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए गए हैं और इनके पास स्किल डेवलपमेंट के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार भी रहेगा। जी अखिलेश, अब तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तक हम पहुंच गए। अब हम राज्य मंत्रियों की सूची पर आ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि 36 जो है वो राज्य मंत्री हैं इस सरकार में। तो हम देख लेते हैं कि एक एक करके, जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनको कॉमर्स और इंडस्ट्री में राज्य मंत्री बनाया गया, यानी पीयूष गोयल के साथ, और साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT में भी राज्य मंत्री हैं, यानी अश्विनी वैष्णव के साथ। तो इनके दो दो मंत्रियों को ये रिपोर्ट करेंगे, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल को। श्रीपद यसो नायक, जो कि गोवा से आते हैं, एक बार फिर से इनको मंत्री बनाया गया है, ये ऊर्जा मंत्रालय में, यानी मनोहरलाल खट्टर के साथ, और साथ ही न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी वो काम करेंगे प्रहलाद जोशी के साथ।
तो दो मंत्रियों को ये भी रिपोर्ट करेंगे। पंकज चौधरी पिछली बार भी निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करते थे वित्त मंत्रालय में, इस बार भी वो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कृष्णपाल गुर्जर जो कि एक बार फिर से मंत्री बनाए गए हैं, इस बार इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी अमित शाह गृह मंत्री को ये सीधा रिपोर्ट करेंगे। रामदास अठावले ये पिछली बार भी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय में थे, इस बार भी उनको वही जिम्मेदारी दी गई है। रामनाथ ठाकुर ये कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण में रहेंगे, यानी शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नित्यानंद राय पिछली बार गृह राज्य मंत्री थे इस बार भी गृह राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल इन्हें हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में राज्य मंत्री बनाया गया, पिछली बार भी ये उसी में थी, और साथ ही इनको रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वी सोमन्ना जो कि कर्नाटक से आते हैं, इनको जल शक्ति का राज्य मंत्री और साथ ही रेलवे में राज्य मंत्री बनाया गया है। चंद्रशेखर पेमना सानी जो कि 5,000 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है, सबसे अमीर मंत्री हैं, इन्हें करोड़ आपने ऐसे ही छोड़ दिए। अच्छा, 5,000 करोड़ है। तो इनको ग्रामीण विकास और कम्युनिकेशन में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से जानकारी अखिलेश जी ने आपके सामने रखी, बारी बारी से इस जानकारी को छलनी से छान कर एकदम रखा है, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले प्रशांत। अब कुछ और नाम आपके सामने रख देते हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का हिस्सा हैं, राज्य मंत्री हैं, जो उनकी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। और कहां पर छोड़ा था अखिलेश आपने, बीएल वर्मा से शुरू कर देते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह राज्य मंत्री बनाए गए हैं, इनके पास जिम्मेदारी होगी एनवायरमेंट फॉरेस्ट यानी कि वन और पर्यावरण मंत्री होंगे, उसके साथ साथ इनके पास विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी होगी। बीएल वर्मा फिर से मंत्री बनाए गए हैं, इनके पास उपभोक्ता